नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा भोगांव में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की ओर से नगर पंचायत भोगांव में गोल्डन कार्ड बनाने जाने को लेकर कैंप लगाया गया। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की रिपोर्ट। कस्बा भोगांव में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की ओर से नगर पंचायत भोगांव में गोल्डन कार्ड बनाए जाने के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें 30 रुपये लेकर लोगों के गोल्डन कार्ड बनाई गई। इन गोल्डन कार्ड से 5 लाख रुपये तक का चयनित सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज कराया जा सकेगा। कार्ड बना रहे प्राइवेट कर्मचारी अनिकेत चौहान, अभिनव चौहान, शिवम बैस ने बताया कि अब तक 122 कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस संबंध में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया, गोल्डन कार्ड बनवाने से सरकारी फीस 30 रुपये रखी गई है। इस गोल्डन कार्ड से एक साल तक 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज हो सकेगा। उन्होंने कहा, यह गरीब निर्धन बेसहारा लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना बहुत ही लाभकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम तुम्हारा? अच्छा, ये आज जो यहाँ कैंप लगाया गया है, किस सिलसिले में लगाया गया है? ये आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना है, जो फ्री इलाज वाली 5 लाख तक का 10 करोड़ परिवार चयनित किए गए हैं, जो 10 करोड़ लोगों से अधिक का फ्री इलाज होगा, वो कार्ड बना रहे हैं हम लोग, उसको जनरेट कर रहे हैं। कितने लोगों का कार्ड बन चुके हैं अभी तक? 76। कितने लोगों के बनने हैं? लिमिट है इसकी कोई? अभी यहाँ लिमिट नहीं, जितने लोग यहाँ आएंगे उतने बन जाएंगे। जो आएंगे यहाँ पर उन लोग बन जाएंगे और बाद बाकी कल बनेंगे, बनने सभी के हैं। कितने दिन तक चलेगा ये? अभी यहाँ तो वैसे तो आज ही का कैंप लगाया गया था, लेकिन लोगों के बन नहीं पाएंगे तो कल बनाएंगे उन लोग। तुम्हारा क्या नाम? अनिकेत नाम है मेरा। आप लोग यहाँ क्या हैं? हम लोग यहाँ काम करते हैं आयुष्मान भारत द्वारा। ठेके पे लगे हुए? हाँ, ठेके पे लगे हुए। शुभकामना क्षेत्रवासियों को रामकली की तरफ से, ये 26 जनवरी शुभकामना बधाई देती है और बाल बच्चों को दुआ देती है। हमारा काम भीख मांगने काम नहीं है, हमारा काम बधाई लेने काम है। हम शुभ घड़ी में जाते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, उसमें दान योगदान लेते हैं और इसमें अपना आधा भाग जनता में, समाज में खर्च कर देते हैं। समाज सेवका रामकली आलीपुर खेड़ा, ये हमारी मुस्कान भरी चेला है, हमारी ये छोटी चेला है, ये ढोलक मास्टर तेज सिंह है और ये कुछ है हमारे माँ बाप है, मंगला मुखी किन्नर ने अपना मंगला मुखी किन्नर रामकली आलीपुर खेड़ा हिनावासी उर्फ और आलीपुर खेड़ा क्षेत्र जिला मैनपुरी आलीपुर खेड़ा। और जय हिंद जय भारत। और मियाँ भाई सलाम वालेकुम, हिंदू राम राम। अपना भागवत हो प्रोग्राम होता है, शादी होती ब्याह होता है, इसमें दान कर देते, कन्यादान कर देते हैं, रामलीला होता, भागवत होता, मंदिर मस्जिद को एकता लेके चलते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता लेके चलते हैं। हमारी मानव जात है, हमारी कोई जात नहीं है, और हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम फकीर हैं, फकीरी की कोई जात नहीं होती है। ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, बुराई पे आ जाए तो इंसान बुरा। जय हिंद जय वारिस, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जय हिंद या वारिस, अल्लाह वारिस, जय साईं जय बाबा, जय हिंद जय भारत जय माता की।